हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने पिछले के क्वेश्चन देख लिए होंगे और बड़े आसान थे। मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा दिया था। चलो आज आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो माइनस आई की स्ट्रेंथ हम कंपेयर करना सीख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने शायद से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले खुद अटेम्प्ट करने का ट्राई करना, ठीक। और आप लोगों को अगर डाउट है तो बेटा क्या करो, थोड़ा सा प्रोडक्ट टेबल पढ़ लो तो उससे आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। और प्रोडक्ट टेबल में बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम कैसा होता है, ठीक। कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, वो तो मैंने आपको बता भी दिया कि कौन से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सब क्या बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम का मतलब क्या है, एक ऐसा आइटम जिसकी टेंडेंसी शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। वो खींचता क्यों वो भी बता दिया मैंने आपको। साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं देता हूं, फ्लोरीन OH एंड NH2, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 SH एंड CL और क्वेश्चन नंबर 9 CH डबल बॉन्ड NH2, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 चलो डिस्कस करते हैं बाबू। चलो तो पहले आप ये 4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा बेटा। तो पॉज करिए, जल्दी से पहले अटेम्प्ट कर लीजिए बेटा। चलो बेटा देखो, बहुत सिंपल है। यहां पे क्या हुआ, एक कार्बन चेन से नाइट्रोजन अटैच हुआ है, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन से अटैच है। यहां पे क्या है, ये कार्बन एक नाइट्रोजन से अटैच हुआ है, यहां पे एक ऑक्सीजन अटैच है। सिंपल से एक एग्जांपल लेके चलते, ठीक। सपोज एक बंदा है और एक बंदा बी है, ठीक। दोनों क्या है, दोनों गुंडे हैं। लोगों के काम क्या, इन दोनों का काम लोगों से पैसे लूटना। बट सपोज क्या हुआ कि एक रात को क्या हुआ, एक रात को एक दिन एक बंदा एक्स और एक बंदा वाई आया, ठीक। एक बंदा एक्स सॉरी एक क्या मानते हैं दो बंदे एक्स है, क्या हुआ, दो बंदे एक्स है और ये एक्स क्या बेटा, ये एक्स इससे भी बड़े डाकू है। मतलब ये एक्स ना इससे भी बड़ा डाकू है, मतलब कि ये लोगों को लूटता है, मतलब जो लूटता है उनको भी लूट लेता है वो। तो मतलब एक्स, ये दोनों एक्स ने क्या किया कि ए को जाके उसके घर में जाके उसको लूट डाला, लूट लिया। और बी वाले के केस में क्या हुआ, इसको बस एक बंदा एक्स आया, मतलब यहाँ पे जैसे दो एक्स आए तो यहाँ पे क्या हुआ, बस एक एक्स आया और उसने इसको लूट लिया, ठीक बेटा। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होने वाला, सबसे ज्यादा पागल, सबसे ज्यादा दुखी कौन होने वाला है। ऑब्वियसली बात है ए होगा, क्यों, क्योंकि इसको लूटने वाले कितने हैं, दो लूटने वाले, और बी को लूटने वाले कितना है, बस एक लूटने वाला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होने वाला है, सबसे ज्यादा गरीब कौन होने वाला है, सबसे ज्यादा कंगाल कौन होने वाला है, बेटा वो होने वाला है ए होने वाला है। क्यों, क्योंकि उसको लूटने वाले कितने हैं, दो बैठे हुए हैं। बस इसी चीज का यूज करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो अभी रिलेट करके ट्राई करो, आप कर सकते हो, ठीक। अब कैसे, अब देखो बेटा ए सबसे ज्यादा कंगाल हो चुका है, बी थोड़ा कम कंगाल है, तो ए सबसे ज्यादा कंगाल है बेटा, तो क्या होगा, ए ज्यादा हाईली अनस्टेबल, मतलब ए इतना अनस्टेबल हो गया, इतना भिखारी हो गया है कि अब ये पागल की तरह लोगों को और ज्यादा लूटना स्टार्ट करेगा। अब सपोज पहले लोगों से 10-20 रुपए चुराता था, अब क्या करेगा, सीधा लाखों में चोरी करना स्टार्ट कर देगा। और वो बी की जो बात है बेटा, वो लाखों में नहीं हजारों में चोरी करेगा। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा हुआ, ए पे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंगाल किसको कर दिया, ए को, है ना। तो बस इसी वजह से आप यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या, दो ऑक्सीजन आइटम अटैच है और यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन आइटम अटैच है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन। ये बहुत सिंपल है बेटा, क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। अब देखो बेटा, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे होंगे, है ना बेटा। देखो यहां से थोड़े से इलेक्ट्रॉन ये पुल कर रहा होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ये पुल कर रहा होगा, बट इस वाले केस में क्या है, बस एक ऑक्सीजन एटम पुल कर रहा है। अब सिंपल सी बात है बेटा, इसको दो इंसान मिलकर लूट रहे हैं, इसको बस एक ही इंसान लूट रहा है, तो बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होने वाला है, ये वाला नाइट्रोजन की ये वाला नाइट्रोजन, बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये वाला नाइट्रोजन होने वाला है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर ये वाला नाइट्रोजन है, तो सबसे ज्यादा
कार्बन के पास से जिससे दोनों ग्रुप अटैच होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? वेरी गुड, 17 इलेक्ट्रॉन पुल करेगा ये, क्यों बेटा? बिकॉज ये नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी, आपको बतानी चाहिए थी। चलो, ये फ्लोरीन OH और NH2 इस तरीके से अटैच है। अगर आपको ये ऑर्डर नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है, सिंपल सी बात। देखो बेटा, हम सब जानते हैं फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन सबसे आगे हुआ। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन, अब ऑब्वियसली बात है, थर्ड ये बचा तो नाइट्रोजन। ये तो हमारा ऑर्डर हो गया किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया, सिंपल सी बात। अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके माइनस आई क्या हो गया, सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद OH, फिर NH2, ठीक, सिंपल सी बात। याद है बेटा, SH और Cl इसको कैसे कंपेयर करेंगे, बहुत सिंपल है कंपेयर करना, मैं आपको दिखाता हूं बेटा। देखो सल्फर, देखो ये जो कार्बन चेन है वो किससे अटैच होगी, सल्फर से, और यहाँ पे कार्बन चेन किससे अटैच होगी बेटे, क्लोरीन से अटैच होगी, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में कहाँ दिखते हैं हमको। पहले हम 16 ग्रुप को लिख देते हैं ओल्ड स्टाइल से TO, अब सेम हम लोग 17 ग्रुप लिख देते हैं, फिर कल बाहर आई कौन बेटा, आंटी जी, ठीक। तो ये हमने ग्रुप लिख दिए। अब एक बात हमेशा याद रखना, एक बात देखो बेटा, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट में, ऑब्वियस बात है 16 के बाद 17 ग्रुप आएगा। आप सब जानते हो कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, फ्लोरीन, क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेटा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ेंगे, मैं अभी बता देता हूं आपको कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कहां बेटा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और याद रखना, अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। छोटी सी बात है, याद रखना। तो देखो बेटा, वैसे देखो ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, वैसे क्या होगा, सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा बेटा, क्लोरीन होगा। अब हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू सल्फर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, इसलिए हमारे क्लोरीन की जो माइनस आई की जो स्ट्रेंथ होगी वो SH से क्या होगी, ज्यादा। और SH क्या होता है बेटा, हम सब जानते हैं, थायोल है ना बेटा। चलो ये हो गया हमारा, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, बहुत सिंपल सी चीज है ये, आपको थोड़ा सा बस क्या है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो चीज मैंने आपको बताई है कि नहीं बताई है, आपको पता नहीं है कि नहीं पता है, वो उसको हम भी डिस्कस कर लेते हैं, बट स्टिल आप लोग ट्राई करो अपने से सॉल्व करना, ठीक बेटा। और देखो बेटा क्या है कि ये ना थोड़ा सा इसमें क्या है ना कि अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉम का साइज, ये सब थोड़ा यूज होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट टेंशन मत लो, जल्दी आपको वो चैप्टर हो जाएगा, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको सारा बेसिक बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब एक बात समझते हैं कि ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से हमको टैकल करना है, बहुत सिंपल है टैकल करने के लिए। देखो बेटा, अब क्या करो बेटा, इसमें देखो बेटा, यहाँ पे भी कार्बन से अटैच है, ये भी कार्बन से अटैच है, ये भी कार्बन से अटैच होगा, मतलब कि कार्बन चेन से ये भी कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन चेन से ये भी कार्बन अटैच है, मतलब कि तीनों कार्बन अटैच है। और फिर कार्बन नाइट्रोजन से अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन नाइट्रोजन से अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन नाइट्रोजन से अटैच है। अब हम लोग कंपेयर कैसे करें यार, अब तो प्रॉब्लम होगी, सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम नहीं हुआ, मुझे बात बताओ क्या, ये कार्बन है, ये कार्बन, तीनों का नेचर सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं बेटा, बिल्कुल सेम नहीं। अगर आप देखोगे बस नॉर्मल इंसान की तरह, तो आपको तो सेम दिखेंगे कि ये भी कार्बन पर, ये भी कार्बन पर, एक बात समझो कि ये कार्बन अटैच है ट्रिपल बॉन्ड से, ये कार्बन अटैच है डबल बॉन्ड से, और ये कार्बन अटैच है सिंगल बॉन्ड से। और यहीं पे फैक्टर आ जाता है जिससे यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना सिखाया मैंने कार्बन का, बहुत सिंपल है फाइंड करना। कैसे बेटा, देखो इस कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड कर लो, आपको पता चल जाएगा। इस कार्बन के पास एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, एक ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल में एक सिग्मा, तो दो सिग्मा बॉन्ड है, तो मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बेटा SP हाइब्रिडाइजेशन। क्या बेटा? SP हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे देखो बेटा, इस कार्बन के पास एक दो सिंगल बॉन्ड है, तो दो सिग्मा बॉन्ड, वहां पे एक डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बेटा SP2। अब यहाँ पे देखो बेटा, इस कार्बन के पास तो बेटा तीनों के तीनों नहीं, चारों के चारों बॉन्ड, देखो एक दो बाकी दो हाइड्रोजन के साथ सबके सब क्या सिंगल बॉन्ड है, चार सिंगल बॉन्ड, मतलब चार सिग्मा बॉन्ड, और चार सिग्मा बॉन्ड बोले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा बेटा SP3 है ना बेटा। अब आप खुद देखो बेटा SP, SP2, SP3। अब बोलो सर आप कहना क्या चाहते हो, ये तो पता चल गया हमको ये ऐसा होता है। अब मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा क्या, परसेंटेज एस कैरेक्टर फाइंड करना, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे वापस से, बट सिंस इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ रही तो मैं आपको भी ये समझा देता हूँ। परसेंटेज एस का मतलब क्या होता है, परसेंटेज एस फाइंड करना मैं आपको सिखाता हूँ, इसका जो रियल मीनिंग है वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, बट अभी जो थ्योरेटिकल मीनिंग जो हमको समझना है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमको आना चाहिए,
वो मैं आपको बताता हूँ। पसेंडर एस का मतलब कुछ नहीं होता कि मतलब किस एसपी ऑर्बिटल के अंदर घुड़ा है, एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो मतलब इस ऑर्बिटल के अंदर कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो फाइंड करना आसान है। देखो बड़ा एसपी के अंदर अगर आपके अंदर एसपी ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर फाइंड करना है, देखो बड़ा एसपी मतलब, देखो बड़ा एसपी मतलब कि एक एस ऑर्बिटल मिलके और एक पी ऑर्बिटल मिलके, देखो एक एस और एक पी मिलके क्या बनाएंगे, एसपी ऑर्बिटल बनाएंगे ना। तो देखो तो परसेंटेज एस कैसे फाइंड करेंगे, कितना एस प्रेजेंट है, टोटल कितने ऑर्बिटल, तो 1+1 टोटल ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल एक एस एक पी मतलब दो ऑर्बिटल टोटल, और कितना एस ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल, तो क्या आ जाएगा बेटा 1/2 × 100 है ना बेटा। परसेंटेज ऐसे ही फाइंड करते हैं, क्या आ जाएगा 0.5 × 100 मतलब 50% आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो मतलब एसपी ऑर्बिटल जो है हमारा क्या बेटा, एसपी ऑर्बिटल जो है उसके अंदर जो एसपी ऑर्बिटल उसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है हमारे पास, 50% आया। तो अभी फिलहाल समझते चलो मैं क्या क्या समझा रहा हूँ। तो ये ऐसे हम sp2 के लिए फाइंड कर सकते हैं। sp2 कैसे बनता है बेटा, sp2 बनता है एक s ऑर्बिटल से और बेटा कितने p लिखे हैं, 2p, तो मतलब 2p ऑर्बिटल से। तो अगर इसमें मैं परसेंटेज फाइंड करना चाहूं तो कैसे फाइंड करूंगा बेटा, एक कितना ऑर्बिटल है s का, एक, और टोटल ऑर्बिटल बेटा 3, कितना है बेटा 33.33% आ जाएगा बेटा, है ना 33.33% आ जाएगा, 0.333 इस तरीके से आएगा, तो 33.33%। तो ये sp2 को आ गया। अगर मैं वैसे बेटा sp3 का फाइंड करूं तो sp3 कैसे बनता है बेटा, sp3 एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, देखो p3 मतलब 3p, एक अभी भी एक s, एक s इसमें परसेंटेज s मतलब कितने s है, एक s, टोटल ऑर्बिटल एक s 3p मतलब कि 4 ऑर्बिटल टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा 25%, क्या आ बेटा sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर क्या आ जाएगा 25%, ठीक है। तो ये फाइंड करना तो मैं आपको सिखाई दिया कैसे फाइंड करते हैं। अब ये परसेंटेज एस से आपका क्या लेन देन है सर, परसेंटेज एस से क्या लेन देन है, बहुत सिंपल लेन देन है। अभी फिलहाल के लिए मैं जो आपको एक पॉइंट बताऊंगा उस पॉइंट को आपको याद रखना, उसके बाद जब हम इसको केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे वहां पे मैं आपको इसकी रियल बताऊंगा कि किस तरीके से रिलेशन आता है। बट फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा, या आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के नीचे लिखोगे भी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर के, ठीक है बेटा। तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछना मत कि सर ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको अभी जानना है तो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसके पास एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा है, और हम सब जानते हैं कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्या होता है, सबसे पास में होता है। तो जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास में होगा उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। बस इसी रीजन से अगर एस ऑर्बिटल कैरेक्टर ज्यादा है उसके अंदर तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, बिकॉज वो न्यूक्लियस के पास होता है, बस इसका यही रीजन है। हम इसको केमिकल बॉन्डिंग बहुत डिटेल में समझ लेंगे। तो आप देखो बेटा एसपी बोले तो 50% एस कैरेक्टर, एसपी टू बोले तो 33.33% एस कैरेक्टर, और एसपी थ्री बोले तो 25% एस कैरेक्टर। अभी मैंने बोला कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन की होती है। मतलब कि जो एसपी वाला कार्बन है, जो एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या होती है, ज्यादा, और एसपी थ्री से भी ज्यादा हो जाती है, पर एसपी टू की एसपी थ्री से ज्यादा होती है। तो सिंस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे, तो इस वाले की माइनस आई की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा एस कम्पेयर टू दिस। हमारा ऑर्डर आ जाएगा, आप लोग जो मैंने वहां पे लिखा था उस तरीके से लिखोगे। आपको यहाँ पे एक चीज लिखनी है, क्या लिखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर फाइंड करना दिखाओ पूरा अच्छे से नोट्स में, और इस तरीके से परसेंटेज एस कैरेक्टर लिखो, फिर फाइनली आप कंक्लूजन लिखोगे सिंस परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका ज्यादा है इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग पावर ज्यादा है इसकी वजह से इसकी माइनस आई की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। जल्दी से आप इतना नोट कीजिए। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है सब कुछ। देखो जो रिलेशन है, जैसे कि परसेंटेज कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन, एटॉमिक साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन, ये सारे रिलेशन हमको पता होने चाहिए, तो आप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप रिलेशन अच्छे से रेड पेन से अच्छे से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
और बेटा इतने डिटेल में ना कोई नहीं पढ़ाता, लिटरली कोई नहीं पढ़ाता। और आप यूट्यूब पे देख लो, अनअकैडमी में देख लो, कहीं भी देख लो, आपको इतने डिटेल में कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, मैं चाहता हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन को फील करो, क्योंकि क्या है कि हम नहीं चाहते कि एक छोटा भी आपको डाउट आए, इसलिए हम पूरा बेसिक से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसका पूरा फायदा उठाएंगे हम, और हम एक एक चीज पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या बेटा एल्डिहाइड ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। ठीक, चलो और देता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो, आई होप आप लोग धीरे धीरे आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे होंगे। यहां पे आपको SO3H ग्रुप दिया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड वाला, और यहां पे दिया मैंने SO2H ग्रुप। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 12, नाइट्रोजन 3 फ्लोराइड आयंस हैं, और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि चार बॉन्ड बना के रखे हुए, और इस वाले नाइट्रोजन पे 3 H लगे हुए हैं, और इस पे क्या है बेटा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे जितना मैं समझा रहा हूं आपको, आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो, कुछ नहीं, बच्चे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक बेटा, चलो सुनो अब ये किस तरीके से ये वर्क होने वाला है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसको दिमाग में लेके आपको चलना है। ठीक, चलो अगर आपने कर लिया है वेरी गुड, नहीं किया तो पॉज करके कर लो, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। अभी ऐसा क्यों है मैं आपको अभी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ना, ये ऐसा क्यों है, बात बहुत सिंपल है। तो यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड ओ, यहां पे एच, यहां पे लगा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड ओ, यहां पे सीएल। क्या ये कार्बन और ये कार्बन सेम है? वेरी गुड, सेम है। क्यों सेम है देखो ना, ये कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करोगे, दो सिंगल एक डबल बॉन्ड मतलब sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, ये भी आ जाएगा sp2, तो दोनों sp2 sp2 33.33 और यहाँ पे 33.33% s कैरेक्टर है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। बट एक डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा बेटा, वो वेरी गुड, आपने अगर नोट किया कि ये कार्बन ली, जो कार्बन है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन, हम पढ़ चुके हैं। ये कार्बोनिल कार्बन से यहाँ पे कौन अटैच है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे कौन अटैच है बेटा, क्लोरीन, और हम सब जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा। और ये हमको कैसे पता, बिकॉज हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्या मान के चलते हैं, ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं कि वहां उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, बहुत सिंपल, तो सिंस यहां पर बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन मतलब की है जो हाइड्रोजन उससे ज्यादा है, तो क्या होगा, ये क्लोरीन क्या करेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये क्लोरीन भी इस कार्बन पे क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, है ना बेटा। ये क्लोरीन ये कार्बोनिल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है, ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है, वो इस वाले कार्बोनिल कार्बन से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये कार्बन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा अपनी तरफ, वेरी गुड बेटा, ये वाला कार्बन, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आई का स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, सिंपल। अब ये वाला तो हम आपको ऐसे ही बता सकते हैं, सिंपल से बड़ा, यहाँ पे सल्फर को गरीब करने वाला है, सल्फर को लूटने वाले कौन कौन बैठे हैं, देखो 3 ऑक्सीजन बैठा हुआ है, और हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो आप लिख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरीके से, अगर आपको याद ना हो तो। ठीक, अब वो भी क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं, देखो स्टाइल कैसे लिखते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना बड़ा, ये हमारे एलिमेंट है 16 ग्रुप के, जैसे ऊपर से नीचे आओगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो हम सब जानते हैं कि सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ऑक्सीजन तो वैसे भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बेटा सल्फर को लूटने के लिए बैठे हैं 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे सल्फर को लूटने के लिए बैठे हैं बस 2 ऑक्सीजन, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ज्यादा गरीब सल्फर कहां पे होने वाला है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सल्फर ये वाला होगा, और सबसे ज्यादा डेफिशिएंट ये है, तो सबसे ज्यादा पागल ये होगा, और सबसे ज्यादा फिर कार्बन की तरफ से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पुल कौन करेगा, ये वाला सल्फर पुल करेगा, इसलिए इसकी जो माइनस आई की स्ट्रेंथ है वो इस SO2H से क्या बड़ा ज्यादा है। देखो सिंपल है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, सीधी सी बात है, तो दोनों नाइट्रोजन पे पॉजिटिव सेम आइटम है, बट एक बात समझो, जो सराउंडिंग आइटम है वो पूरी पिक्चर डिफरेंट कर देंगे। कैसे बेटा, देखो यहाँ पे 3 कौन अटैच है बेटा, यहाँ पे 3 फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पे बेटा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, सिंपल सी बात बेटा। अब एक बात बताओ मुझे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, रात को 2 बजे पूछू तो भी पता चलना चाहिए, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है हमारे पीरियोडिक टेबल का, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही नहीं, तो बात समझो
यहाँ पे तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल इस नाइट्रोजन की वाट लगा रहे हैं और इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहे हैं, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, तो ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो चुपचाप बैठा पड़ा है ना, तो ये तो कुछ कर नहीं रहा। बट ये तीन नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन सोचो जरा, ये एक ऐसा गुंडा है जो फॉर्म में आके पहले इसने 100 करोड़ दे दिए, अब क्या हुआ कि बेचारे ने 100 करोड़ दे दी तो उसको पॉजिटिव चल रहा है, पहले से पागल है, मतलब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चल रहा है, पहले से अनस्टेबल है, और कल रात को उसके यहाँ पे इनकम टैक्स की रेट भी पड़ गई, तो मतलब कि तीनों फ्लोरिन आके उसको और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिए, मतलब बेचारा पहले से गरीब था अब और ज्यादा गरीब हो गया, इतना गरीब कि पूरा कंगाल हो चुका है। तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा कि अब ये जो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा वो क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा होगा। और अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं तो ये जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है बेटा, ये मोस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई वाला ग्रुप है, सबसे मोस्ट। अगर आपको जितने भी ग्रुप मैंने आप अभी तक आपको दिखाए हैं उन सब में सबसे ज्यादा मोस्ट कौन है, सबसे मोस्ट माइनस आई की स्ट्रेंथ इसी के पास होती है। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से तीन फ्लोरीन अटैच है, तो जो मैं आपको माइनस आई का एक ऑर्डर लिखाऊंगा कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन उससे कम, तो हमारे पास एक सीरीज भी है, उसको याद करने का तरीका भी हमारे पास पढ़ेंगे उसको, और उसमें सबसे आगे कौन है, ये मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और तीन फ्लोरीन और उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है वो कि बेचारे को कार्बन के पास से बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूटने पड़ेंगे। तो इसलिए याद रखना कि ये इस तरीके से हमारा ये ऑर्डर आ जाएगा, जल्दी से इसको छाप लो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं, कुछ क्वेश्चन से वो कर लेते हैं, उसके बाद माइनस आई की सीरीज है वो दिखाऊंगा मैं आपको, और फिर किस तरीके से यार उस सीरीज को याद रखना है, क्योंकि उस सीरीज को अगर आपने याद रख लिया ये सारे क्वेश्चन चुटकी बजाती हो जाते हैं। ठीक है बेटा, और ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं जो रीजनिंग बता रहा हूँ वो रीजनिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत हो पर्सनली मैसेज कीजिएगा, और बेटा लेक्चर टाइम टू टाइम कंप्लीट करने हैं, नोट्स बनाते चलने हैं, और नोट्स बनाने के बाद पीडीएफ भेजना अपने नोट्स की, मैंडेटरी है सबके लिए, ठीक है, कंपलसरी आपको भेजना ही भेजना है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।